अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त, यौम आज़ादी। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ ट्राई कलर रेसिपी। तो बहुत ही इजी है, मैं 3 कलर के जूस बनाऊंगी, एक लस्सी बनाऊंगी और 2 जूस बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ कि बहुत अच्छा सा दिखे और हम घर में खा भी सके या पी भी सके उसको, इस टाइप की चीज़। तो मैं ऑरेंज जूस बना रही हूँ, लस्सी बना रही हूँ और ये ग्रीन वाला शरबत बना रही हूँ। तो 3 कलर बनाएंगे हम इसके। पिछली बार मैंने लड्डू और इडली बनाई थी, उसके पहले भी और कुछ है ना बनाई। तो आज बनाते एकदम सिंपल इजी सी और बहुत ही प्यारे दिखेंगे 3 कलर। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हरा वाला शरबत तो बन गया है, ये बनी है लस्सी। लस्सी की रेसिपी मेरे डली है, अब डालेंगे इसमें लस्सी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे बढ़िया सा ऑरेंज वाला शरबत बन के तैयार है। ये रेडी मिक्स मिलता है ना, शक्कर वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं, वही वाला मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्राई कलर रेसिपी जो है ना हमारी झटपट से तैयार हो गई है। तीनों भी, दोनों भी शरबत और एक हमारी लस्सी बनके बहुत ही उम्दा तैयार हुए और बहुत खूबसूरत भी दिख रहे हैं ना। बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं इंडिपेंडेंस डे पे बढ़िया से शरबत, लस्सी और इस कलर के। फ्रेंड ये ट्राई कलर रेसिपी ऐसी बनी, बच्चे बूढ़े सभी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी बनाए और आप भी पिए, आप भी इसका मजा ले आज के दिन। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर देखिए, शाम में जो है ना मुजम्मिल बाहर निकले थोड़ा सा लाइटिंग की वीडियोस वगैरह लेने। जगह जगह जो है ना 15 अगस्त में बहुत ही अच्छी लाइटिंग की जाती है, इस तरह से सजाया जाता है। तो मुजम्मिल ने कहा कि मम्मी मैं कुछ कुछ जगह से शूट कर देता हूँ, तो आप इसमें व्लॉग में ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे देखिए, मुजम्मिल ने जो है ना जहाँ जहाँ से शूट करके लाए ना, तो नागपुर में जगह जगह जो है ना इस तरह से सजाया जाता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। तो बहुत से लोग निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, लाइटिंग देखने के लिए, फोटोग्राफी के लिए। तो ऐसे ही मुजम्मिल ने भी वीडियो बना के लाए थे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इसे। तो देखते रहिए आप लोग ब्लॉग को।
फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, या कुछ अच्छे से खाने में बना लेती हूँ, या कहीं बाहर जाते हैं रेसिपी अच्छे से शूट करती हूँ। तो आज मैंने नॉर्मल सी रेसिपी बनाई थी, क्योंकि सीमाज लजीज फूड है, तो कुछ अच्छे से मैंने कहा कि छोटा सा बना देती हूँ ट्राई कलर पर। तो मैंने रेसिपी बनाया था, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया इसलिए क्योंकि घर में सब लोग बहुत अपसेट है, डिस्टर्ब है। आपको मालूम है पूरा हिंदुस्तान डिस्टर्ब है। जो कलकत्ता में जो बच्ची के साथ केस हुआ है, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ, वो आपको पता ही है। तो उसकी वजह से जो है ना, हम लोग जो है ना बहुत अपसेट, हम लोग क्या पूरा हिंदुस्तान ही अपसेट है, रोड पे आ गया है हिंदुस्तान तो पूरा। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मगर कर कुछ नहीं सकते। हाँ, ये है कि देश के कानून जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हम यहाँ के कानून की, यहाँ के गवर्नमेंट की बहुत इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं हमारे हिंदुस्तान की, मगर कानून जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर कोई करते, ऐसी हैवानियत, ऐसी शैतान जो है यहाँ पर है हमारे हिंदुस्तान में, और ऐसी हमारी बेटियों के साथ चीज़ें हो रही है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। देखिए, आज हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं, हम बाहर कॉलेज में भेजते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो हम कॉलेज की जिम्मेदारी पर भेजते हैं, है ना, कि वहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, स्कूल में जो है हम टीचर्स के हवाले, स्कूल के हवाले बच्चों करके आ जाते हैं कि सिक्योरिटी है। जॉब पे जाती है बच्चे, सिक्योरिटी है, बेफिक्र हो जाते हैं। हर जगह तो बच्चों के साथ साथ नहीं जा सकते, मगर सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर ये चीज़ें होती है तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे बाहर भेजें, सवाल ये उठता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कानून इतने स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इतने स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि ऐसे शैतानों को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि अगले वाला जो है करने के पहले, ऐसी चीज़ें करने के पहले उसकी रूह कांप जाए, उसको रोंगटे खड़े हो जाए कि ये इसकी सज़ा तो इतनी स्ट्रिक्ट है। उसको रोड पे लाके ना सबसे पहले तो उसकी गर्दन काट देना चाहिए, उसके हाथ काट देना चाहिए, उनको शूट कर देना चाहिए। क्योंकि बच्चों को बाहर भेजेंगे कैसे, कैसे जिम्मेदारी पे भेजेंगे? कहीं के नाइट ड्यूटी रहती है, कहीं पे नाइट बच्चों को रात में बाहर जाना पड़ता है लड़कियों को कोई काम से, कहीं कहीं से लेट आते हैं बच्चियाँ। तो मतलब बच्चियों को भेजे तो बाहर भेजे कैसे? तो बस कहने का मतलब यही है मेरा बार बार, कि यहाँ के जो कानून जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, के सोचे गलती करने वाला, गलती करने के पहले हज़ार बार सोचे। तो बस इस तरह से आज का वीडियो मैंने बनाया छोटा सा। आपको जैसा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा।